हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो क्लास में। फ्रेंड्स, इस वीडियो क्लास में हम डिस्कस करेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच या नरेशन का पार्ट 3। लेकिन इस पार्ट 3 को देखने से पहले आप पार्ट 1 और पार्ट 2 आप ज़रूर देखें, तभी आपको ये पार्ट समझ में आएगा, क्योंकि ये सारे इंटरलिंक्ड हैं, एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तो नरेशन पार्ट 3 को आप डायरेक्टली ना देखें, पहले आप नरेशन पार्ट 1 देखें, उसके बाद पार्ट 2 देखें, उसके बाद ये पार्ट 3 देखें, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे रूल्स होते हैं और काफ़ी सारी चीज़ें चेंज करनी पड़ती हैं। तो इसको आप एक एक करके समझेंगे, तभी आपको ये समझ में आएगा। तो इसमें हम समझेंगे, इस वीडियो क्लास में हम समझेंगे कि किस तरीके से हम प्रोनाउंस को और एक्स्ट्रा वर्ड्स को हम चेंज करते हैं। देखिए, डायरेक्ट नरेशन को जब हम इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करते हैं, या इनडायरेक्ट नरेशन को डायरेक्ट नरेशन में चेंज करते हैं, तो उसमें हमें एक एलिमेंट नहीं, चार एलिमेंट चेंज करने पड़ते हैं, ठीक है। और SSC एग्ज़ाम में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट भी पूछ सकते हैं और इनडायरेक्ट से डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं। पहले डायरेक्ट दे देंगे और इनडायरेक्ट पूछेंगे, और इनडायरेक्ट दे देंगे तो आपको डायरेक्ट करना है। तो इस तरीके से भी मैं आपको इसमें प्रैक्टिस करवाऊंगा, लेकिन आप ये चीज़ ध्यान रखिए कि डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट भी आ सकता है और इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट भी आ सकता है। तो जैसे ये सेंटेंस है, देखिए, ठीक है, इस रूल को मैं अभी आपको समझाता हूँ, पहले आप इस सेंटेंस को समझें। ही सेड टू मी आई एम अ स्टूडेंट, ठीक है। तो जब आप इसको, ये डायरेक्ट लिखा हुआ है यहाँ पर और ये है इनडायरेक्ट, जब इसको आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो इसमें काफ़ी सारे चेंजेज होंगे। एक तो इसमें प्रोनाउन में चेंज होगा, ठीक है, एक इसमें वर्ब में चेंज होगा, वर्ब मतलब इसका जो टेंस है वो चेंज होगा। एक यहाँ पर जो सैड है, इसकी जगह जो वर्ब है, सैड मतलब जो वर्ब है, ये भी चेंज होगी मीनिंग के अकॉर्डिंग, ये अभी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा वर्ड रहते हैं, जैसे नाउ है, देन है, ठीक है, टुडे है, वो भी चेंज होते हैं। तो इसमें ये चीज़ें मैंने फर्स्ट पार्ट में बताई हैं, किस तरीके से सारी चीज़ें चेंज करनी हैं। और इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि प्रोनाउन को और एक्स्ट्रा वर्ड को आप किस तरीके से चेंज करते हैं। अब जैसे ये सेंटेंस है, ही सेड टू मी आई एम ए स्टूडेंट, तो इसमें आई जो प्रोनाउन है, ये यहाँ पर ये जो चेंज है, तो जो भी चेंज होगा वो यहाँ पर होगा, मतलब ये जो पार्ट है ये है रिपोर्टिंग पार्ट, और ये जो पार्ट है ये है रिपोर्टेड पार्ट। तो जो भी चेंज होगा आपका प्रोनाउंस में, वो यहाँ पर होगा इस वाले पार्ट में, ठीक है। इस वाले पार्ट में प्रोनाउन में कोई चेंज नहीं होगा, इस वाले पार्ट में केवल वर्ब में चेंज होगा, जैसे ये सेट का टोल्ड कर दिया है। अब इसको जब आप इसमें जो फर्स्ट रूल है वो क्या है कि सब्जेक्ट यदि फर्स्ट पर्सन है, यहाँ पर जैसे ये फर्स्ट पर्सन है आई और वी है, तो इसको आपको किसके हिसाब से चेंज करना है, इसके हिसाब से, ठीक है। इस चीज़ को अच्छी तरीके से समझिए आप। यहाँ पर यदि फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, यदि आई और वी है, तो रिपोर्टिंग पार्ट, ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है, ये पूरा जो रिपोर्टिंग वर्ब है, इसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप चेंज करेंगे इसको, ठीक है। और यहाँ पर यदि यू है, यानी सेकेंड पर्सन है इस पूरे सेंटेंस में कहीं भी, तो वो रिपोर्टिंग पार्ट के ऑब्जेक्ट यानी ये मी के हिसाब से वो चेंज होगा। और यदि ही सी इट और दे यानी थर्ड पर्सन है, तो वो अनचेंज रहेगा। मतलब प्रोनाउन के केवल 3 रूल हैं। यदि यहाँ पर फर्स्ट पर्सन है, यदि आई और वी है, ठीक है, तो वो इसके हिसाब से चेंज होगा, ये जो सब्जेक्ट है इसके हिसाब से चेंज होगा। यू है तो वो ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा, और थर्ड पर्सन जो है ही सी इट और दे, तो वो अनचेंज रहेंगे। लेकिन इसमें कुछ रूल्स हैं जो कि एक्सेप्शन आप कह सकते हैं, जो कि अपवाद हैं, जो कि अलग से अप्लाई होते हैं, ठीक है, तो उनको भी हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट रूल क्या है कि इफ़ द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच इज आई और वी, मतलब रिपोर्टेड स्पीच यानी ये जो है इन्वर्टेड कॉमाज में जो दिया है वो रिपोर्टेड स्पीच है, तो रिपोर्टेड स्पीच के जो प्रोनाउंस हैं यदि आई और वी हैं, तो वो इसके अकॉर्डिंग चेंज होंगे, इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, मतलब रिपोर्टिंग पार्ट के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वो चेंज होंगे। अब देखिए इसमें आपको एक चीज़ और देखनी है कि यहाँ पर यदि लिखा हो ही सैड, तो ही सैड का ही सैड ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर लिखा है ही सेड टू मी, यानी यहाँ पर ऑब्जेक्ट आ गया ही सेड टू मी, ठीक है, उसने मुझको मुझे कहा। तो चूंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, और टेल करने के लिए यानी टोल्ड करने के लिए दो ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है, कि क्योंकि जब आप कम्युनिकेट करते हैं तो एक ए बी से कम्युनिकेट करता है, मतलब दो व्यक्ति का होना वहाँ पर जरूरी है, तो इसलिए यहाँ पर हमने सेट का टोल्ड कर दिया। और टोल्ड के बाद फिर टू नहीं आएगा, सेट के बाद तो टू आता है लेकिन टोल्ड के बाद नहीं आएगा, तो यहाँ पर हमने कर दिया ही टोल्ड मी, ही सेड टू मी का हमने कर दिया ही टोल्ड मी। और चूंकि ये अफर्मेटिव सेंटेंस है और इसमें कनेक्टर हम दैट लगाते हैं, तो इसलिए इसमें हमने दैट लगा दिया। अब ये जो आई है ये किसके हिसाब से चेंज होगा, ही के हिसाब से, तो इसलिए यहाँ पर ही कर दिया।
और चूंकि ये सेंटेंस पूरा पास्ट में है, ही सेट टू मी, रिपोर्टिंग जो पार्ट है वो पास्ट में है, तो इसलिए इसको हमें पास्ट में करना पड़ेगा। तो इसलिए हमने कर दिया ही टोल्ड मी दैट ही वॉज अ स्टूडेंट। इस तरीके से ये सेंटेंस बन जाएगा। तो यहाँ पर पहले आपको बेसिक सारी चीज़ें सीखनी है, उसके बाद इसकी हम बहुत डिटेल में प्रैक्टिस करेंगे, नरेशन की, पैसिव वॉइस की, और जितने भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं SSC एग्जाम्स में। अब जैसे ये देखिए, रोहन सेट टू हर, ठीक है, तो यहाँ पर चूंकि हर दिया है, ऑब्जेक्ट दिया है, तो इसलिए इसका क्या हो जाएगा, रोहन टोल्ड हर, ठीक है, रोहन टोल्ड हर हो जाएगा। अब चूंकि ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन सेंटेंस नहीं है, तो इसलिए इसमें हम दैट लगाएंगे कनेक्टर की जगह। तो रोहन टोल्ड हर दैट ही, अब ये जो है आई, ये किसके हिसाब से चेंज हुआ, इसके सब्जेक्ट के हिसाब से, रोहन के हिसाब से। लेकिन यहाँ पर हम रोहन ना लिखते हुए उसका प्रोनाउन फॉर्म लिखेंगे, और रोहन का प्रोनाउन फॉर्म क्या होगा, ही। तो रोहन टोल्ड हर दैट ही वुड लीव जयपुर सून, ठीक है। तो यहाँ पर सेल लिखा था, तो सेल का पास्ट हालांकि शुड होता है, लेकिन यदि आप यहाँ पर शुड लिखेंगे तो उसका मीनिंग नहीं निकलेगा, इसलिए शैल और विल का हम यहाँ पर क्या कर देंगे, वुड कर देंगे। शैल का भी हम वुड कर देते हैं, विल का तो वुड कर ही देते हैं, शैल का भी हम वुड कर देंगे, क्योंकि शैल का यदि आप शुड लिखेंगे तो यहाँ पर इसका सेंस नहीं निकलेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब देखिए, ये कुछ सेंटेंस और देखते हैं हम यहाँ पर। द कैप्टन सेड वी हैव वन एट लास्ट, तो यहाँ पर कैप्टन ने किससे बोला है, ये कैप्टन ने अपने टीम मेट से बोला है ये, कि वी हैव वन एट लास्ट, मतलब अंत में हमारी विजय हुई, अंत में हम मैच जीती गए। तो इसलिए यहाँ पर लिखा है द कैप्टन टोल्ड हिज टीम मेट्स दैट दे हैड वन एट लास्ट, ठीक है। तो यहाँ पर ये अंडरस्टूड कर दिया गया है कि कैप्टन सेड टू हिज टीम मेट्स, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर हमने ये दे का प्रयोग किया है, दैट दे हैड वन एट लास्ट। तो इस तरीके से, क्योंकि कैप्टन के साथ यहाँ पर जो कैप्टन है उसके साथ टीममेट्स भी हैं, तो कैप्टन टीममेट से बोल रहा है कि हमने मैच जीत लिया है, तो इसलिए यहाँ पर दे का प्रयोग हमने किया है। तो इस चीज़ को आपको समझना है, इसमें लॉजिक आपको अप्लाई करना है, ठीक है। अब देखिए, ये एक एक्सेप्शन है कि वी इज़ नॉट चेंज इन द फॉलोइंग केसेस, वी को हम निम्नलिखित स्थितियों में चेंज नहीं करते। कौन सी स्थितियाँ हैं वो, देखिए यहाँ पर देखिए, वेन वी इज़ यूज इन द जनरल सेंस, जब वी को हम जनरल सेंस में यूज़ करते हैं तो उसको हम चेंज नहीं करते। जैसे द सेंट सैड वी आर मोर्टल्स, एक साधु ने कहा कि हम लोग सब मरणशील हैं, वी आर मोर्टल्स, ठीक है। तो रूल के अकॉर्डिंग तो ये वी जो है वो सेंट के साथ चेंज होना चाहिए, मतलब वी की जगह ही आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर हम वी को चेंज इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि ये जनरल सेंस में हमने इसमें बात की है। मतलब ये जो साधु जो बोल रहा है कि हम सब मरणशील हैं, ये सभी लोगों के लिए बोल रहा है, ये किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं बोल रहा है, और ये कॉमन जनरल सेंस में यहाँ पर बात हो रही है। तो इसलिए द सेंट सैड दैट वी आर मोर्टल्स, ठीक है। तो जनरल सेंस में हम जब लिखते हैं तो इसको हम चेंज नहीं करते। अब यहाँ पर देखिए, व्हेन ऑब्जेक्ट मी इज इंक्लूडेड इन द सब्जेक्ट, जब मी मतलब ऑब्जेक्ट जब इंक्लूडेड रहता है तब भी हम वी को चेंज नहीं करते। शी सेड टू मी वी आर टू लीव फॉर टेम्पल्स अर्ली, शी टोल्ड मी दैट वी वर टू लीव फॉर टेम्पल्स अर्ली, वी को हमने चेंज नहीं किया क्योंकि इसमें रिपोर्टिंग जो पार्ट है उसमें ऑब्जेक्ट है। अब देखिए, ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब वी का प्रयोग हम किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए करते हैं तो उसके स्थान पर हम इट का प्रयोग करते हैं। जैसे द पायोनियर सैड, पायोनियर मतलब अखबार का नाम है यहाँ पर, तो पायोनियर ने क्या बोला, वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी एरर, तो इसमें क्या हो जाएगा, द पायोनियर सेड दैट इट वॉज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी एरर, वी की जगह हमने कर दिया इट, क्योंकि पायोनियर जो है एक ग्रुप का नाम है, एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी आते हैं SSC एग्जाम में जिन पर रूल्स अप्लाई नहीं होते। और यहाँ पर ये सेकेंड पर्सन का दिया है कि सेकेंड पर्सन जो होगा यू, ये जो यू है, ठीक है, ये किसके हिसाब से चेंज होगा, इस ऑब्जेक्ट के हिसाब से। यदि ऑब्जेक्ट नहीं है तो फिर ही लिख देंगे उसमें हम, अब जैसे यू है तो यू मी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, मतलब यू का आई हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए, ही सेड टू मी यू आर नॉट माई फ्रेंड, इसका क्या हो जाएगा, ही टोल्ड मी दैट, यू का क्या हो जाएगा, मी के अकॉर्डिंग। लेकिन यहाँ पर आई हमने क्यों लिखा है, क्योंकि आई यहाँ पर हमने सब्जेक्टिव केस में लिखा है, ये सब्जेक्ट है, और मी यहाँ पर क्यों लिखा है, क्योंकि ये इसका ऑब्जेक्ट है, सेट का ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है।
मी और आई एक ही चीज़ है, आई सब्जेक्टिव केस है और मी ऑब्जेक्टिव केस है। ये मी जो है ये ऑब्जेक्ट के स्थान पर आता है और आई सब्जेक्ट के स्थान पर आता है। आई शुरुआत में आता है, मी एंड में आता है, दोनों एक ही चीज़ है लेकिन अब दोनों की फॉर्म अलग अलग है। तो यहाँ पर आपको सब्जेक्टिव केस की ज़रूरत है, तो इसलिए यहाँ पर आपने आई लिखा है। हालांकि इसको मी के हिसाब से आपको चेंज करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर आप आई लिखेंगे। ही टोल्ड मी दैट आई वॉज नॉट हिज फ्रेंड। अब यहाँ पर ये माई जो है, ठीक है, माई किसके हिसाब से चेंज होगा, माई चेंज होगा ही के हिसाब से, तो यहाँ पर लेकिन हिज आया है, ठीक है। हिज इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पर आपको पजेसिव केस चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह के सेंटेंस आपको करना है, ही टोल्ड मी दैट आई वॉज नॉट हिज फ्रेंड। तो जो ऑप्शन मिलेंगे आपको उसमें जैसे हिज की जगह कहीं पर माई दिया होगा और कहीं पर वॉज की जगह वर दिया होगा, तो इस तरीके से आपको सेंटेंस को सही करना है। मैं आपको PDF के थ्रू प्रैक्टिस और करवाऊंगा, मैं आपको एक PDF दूंगा सभी सारे टॉपिक्स की, जितने भी टॉपिक्स हैं, और उसमें आपको 10-10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है। पहले 10 क्वेश्चन करना है और उसके आंसर आपको बाद में मिल जाएंगे, फिर 10 क्वेश्चन करना है उसके आंसर आपको बाद में मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आपको अपनी परफॉर्मेंस को, अपनी अपनी जो नॉलेज है उसको इवेल्युएट करना है कि कितना कितना आपने सीखा। यहाँ पर हम कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जैसे ये क्वेश्चन है, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स यू आर नॉट टू लीव द क्लास विदाउट परमिशन, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो सैड है इसको हम मीनिंग के अकॉर्डिंग चेंज कर देते हैं, कभी टोल्ड कर देते हैं, कभी एडवाइस कर देते हैं, कभी प्रिस्क्राइब कर देते हैं। तो यहाँ पर टीचर क्या कर रहा है, स्टूडेंट को एडवाइस दे रहा है कि आपको क्लास को बिना परमिशन के नहीं छोड़ना है। तो इसलिए यहाँ पर हमने कर दिया द टीचर एडवाइज द स्टूडेंट दैट दे वर नॉट टू लीव द क्लास विदाउट परमिशन। अब देखिए यहाँ पर दे क्यों आया है, देखिए ये जो यू है इसको हम किसके हिसाब से चेंज करते हैं, ऑब्जेक्ट के हिसाब से, और ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट का प्रोनाउन फॉर्म क्या होगा, दे ही तो होगा, तो इसलिए यहाँ पर हमने दे लगाया है। तो इस तरीके से इसको आपको चेंज करना है। तो ये है इसका डायरेक्ट फॉर्म, ये है इसका इनडायरेक्ट फॉर्म। अब यहाँ पर देखते हैं, ही सेड टू हिज मदर विल यू गिव मी सम मनी, ये किस तरीके का क्वेश्चन है, ये इफ और इफ यस और नो क्वेश्चन है। ये विल यू गिव मी सम मनी, यस आई विल गिव यू सम मनी। तो जिस क्वेश्चन का आंसर यस और नो में आता है उसको हम बोलते हैं यस नो क्वेश्चन, और यस नो क्वेश्चन का जो कनेक्टर होता है वो होता है इफ या वेदर, ये हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। तो यहां पर चूंकि क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो इसलिए सेट की जगह हमने कर दिया यहां पर आस्ट, विल यू गिव मी सम मनी ये क्वेश्चन है, तो इसलिए सेट की जगह यहां पर हमने कर दिया आस्ट। ही आस्ट हिज मदर इफ शी वुड गिव हिम सम मनी। अब ये जो प्रोनाउन चेंज हुए हैं, जो मैंने रूल्स बताए हैं उसी के अकॉर्डिंग चेंज हुए हैं, ठीक है। जैसे यू है तो यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, मदर के अकॉर्डिंग, और मदर का प्रोनाउन फॉर्म क्या होगा, शी होगा, तो इसलिए यहाँ पर शी आया है, इस तरीके से चेंज होगा। और यदि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, जैसे इसमें ये ऑब्जेक्ट नहीं है, दे सेट के बाद दे सेट टू मी नहीं है, यानी इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इसमें यू को हम ही में चेंज कर देंगे। ये सिंपल सा एक रूल है, दे सेड दैट ही वुड हैव टू हेल्प मी, ठीक है। ये थर्ड पर्सन प्रोनाउंस का रूल है, ही शी इट और दे यदि है तो उसको अपन चेंज नहीं करेंगे। जैसे यहां पर आप देखिए, ही सेड टू मी ही इज नॉट ए गुड प्लेयर, तो ही का ही रहेगा यहां पर, केवल टेंस चेंज हो जाएगा, ही टोल्ड मी दैट ही वॉज नॉट अ गुड प्लेयर। यदि आप लॉजिक अप्लाई करते हैं और इन सारे वीडियोस को 2 या 3 बार देखते हैं तो ऑप्शंस देख के आप आसानी से आंसर आप लगा सकते हैं, क्योंकि SSC में जो क्वेश्चंस आते हैं वो सेट पैटर्न पर क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, ही सेड टू देम ही हैज़ टू गो टू बक्सर, तो ही टोल्ड देम दैट ही हैड टू गो टू बक्सर। हैज़ टू का हमने हैड टू कर दिया क्योंकि रिपोर्टिंग जो स्पीच है ये पास्ट में है, ठीक है, इसलिए हमने हैज़ टू का हैड टू कर दिया। और यहाँ पर चूंकि ऑब्जेक्ट दिया है देम, इसलिए इसका टोल्ड कर दिया, इस तरीके से सेंटेंस बन गया। ये कुछ और क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए। डायरेक्ट में क्या दिया है, ही सेड टू मी यू आर नॉट माई क्लासमेट एंड ही इज नॉट माई नेबर, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें काफी सारे प्रोनाउंस दिए हैं तो प्रोनाउंस को आपको चेंज करना पड़ेगा। इसमें ही सेड टू मी और ही सेड टू मी का हो गया टोल्ड मी, अफर्मेटिव सेंटेंस है इसलिए दैट आ गया। अब यू को किसके हिसाब से चेंज करोगे आप, यू के करेंगे मी के हिसाब से, तो यहां पर आ गया आई, पास्ट टेंस आर का हो गया वॉज, आई के साथ वॉज आएगा, ठीक है। माय किसके हिसाब से चेंज होगा, माय चेंज होगा ही के हिसाब से, तो इसलिए यहां पर हिज आ गया, ठीक है। यहां पर ही जो है वो अनचेंज रहेगा तो ये अनचेंज है ही। तो इस तरीके से
ये सेंटेंस आपका बन जाएगा, ये एक इंपॉर्टेंट सेंटेंस, ये वाला जो सेंटेंस है इसको आप बार बार करिए, ये इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। और ये सेंटेंस देखते हैं, ही सेड टू मी आई एक्सपेक्ट यू टू अटेंड द फंक्शन, ही टोल्ड मी दैट, ही आई का कर दिया ही, एक्सपेक्टेड कर दिया पास्ट में, और यू का कर दिया मी टू अटेंड द फंक्शन। ये प्रैक्टिस से आपको सारे आ जाएंगे, जब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा आपको। अब यहाँ पर देखिए, व्हाट डिड यू सी एट द साउथ पोल, अशोक आस्क्ड अनिल, ठीक है। तो इसमें अशोक पूछ रहा है अनिल से, तो इसलिए यहां पर हम बोलेंगे अशोक आस्क्ड अनिल व्हाट ही हैड सीन एट द साउथ पोल। ये डब्ल्यू एच वाला क्वेश्चन है, तो डब्ल्यू एच वाला क्वेश्चन में ये क्या है, ये पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है, तो पास्ट इंडेफिनिट का हम क्या कर देंगे, पास्ट परफेक्ट। तो इसलिए यहां पर लिखा है व्हाट ही हैड सीन एट द साउथ पोल, ठीक है। व्हाट, इसमें एक चीज ध्यान रखिए कि यहां पर व्हाट हैड ही नहीं होगा, व्हाट ही हैड होगा, ठीक है। व्हाट के बाद जो 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 पैटर्न आएगा वो अफर्मेटिव का पैटर्न आएगा, व्हाट ही हैड लिखेंगे हम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता रहा हूं आपको, व्हाट हैड ही मत लिखना, व्हाट ही हैड लिखना यहां पर, ठीक है। देखिए ये कुछ एक्स्ट्रा वर्ड को हम किस तरीके से चेंज करते हैं, ये आप मेन चीजें इसमें आप ध्यान रखिए, जैसे रिपोर्टिंग स्पीच यदि पास्ट में है तो दिस का दैट हो जाएगा, ठीक है। जैसे यदि अभी मैं बोलूं कि दिस इज माय पेन, ठीक है, और इस चीज को कोई रिपोर्ट करे बाद में, दो दिन बाद रिपोर्ट करे, तो ये दिस क्या होगा, दिस ये दैट में चेंज हो जाएगा, क्योंकि प्रेजेंट जो है वो पास्ट बन जाएगा। यदि अभी मैं बोलूं कि दिस इज माय पेन और इसको दो दिन बाद कोई रिपोर्ट करे, तो ये दिस जो होगा ये पास्ट बन जाएगा, तो इसलिए दिस का हो जाएगा दैट। इस तरीके से आपको समझना है, दिस का दोज, हेयर का देयर, नाउ का देन, टुडे का दैट डे, ठीक है, टुमारो का द नेक्स्ट डे या फॉलोइंग डे हो जाएगा, यस्टरडे का द प्रीवियस डे हो जाएगा, हैंस का देंस, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अगो का बिफोर इसलिए हो जाएगा क्योंकि अगो, देखिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन में हम क्या करते हैं कि सिंपल पास्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में हम चेंज करते हैं, तो सिंपल पास्ट टेंस में हम अगो का प्रयोग करते हैं और पास्ट परफेक्ट में हम बिफोर का प्रयोग करते हैं, तो इसलिए अगो जो है वो बिफोर में चेंज हो जाता है, ठीक है। जस्ट का देन हो जाएगा क्योंकि जस्ट का मतलब होता है अभी अभी और देन का मतलब होता है तब, तो ये प्रेजेंट है और ये पास्ट है। टुनाइट का दैट नाइट हो जाएगा, लास्ट नाइट का प्रीवियस नाइट हो जाएगा, नेक्स्ट वीक का फॉलोइंग वीक हो जाएगा, ठीक है। और कम और गो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये पुराना हो चुका है, नेक्स्ट वीक का फॉलोइंग डे हो जाएगा। तो कुछ एग्जाम्पल हम देखते हैं, देखिए ये एग्जाम्पल है, सोनी सेड टू हिम आई लॉस्ट माई रिंग लास्ट नाइट, ठीक है। तो सोनी सेड टू हिम का क्या हो जाएगा, सोनी टोल्ड हिम, यहां तक समझ में आ गया, अफर्मेटिव सेंटेंस है इसलिए हमने दैट लगा दिया, आई को हम सोनी के हिसाब से चेंज करेंगे, सोनी क्या है, लड़की का नाम है, इसलिए शी आ गया यहां पर, सोनी टोल्ड हिम दैट सी हैड, ठीक है। ये लॉस्ट क्या है, ये पास्ट सिंपल टेंस है, पास्ट सिंपल टेंस को हम किस में चेंज करते हैं, पास्ट परफेक्ट में, तो इसलिए यहां पर हैड आ गया, और लास्ट नाइट जो है इसको हमने कर दिया चेंज प्रीवियस नाइट में। तो ये है इसका करेक्ट वर्जन, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, दे सेड वी आर गोइंग टू इनवाइट हिम टुमारो, दे सेड दैट दे वर गोइंग टू इनवाइट हिम द फॉलोइंग डे, टुमारो का हो गया फॉलोइंग डे, और यहां पर आर का हो गया वर, ये आर का वर क्यों किया है, पास्ट क्यों किया है, क्योंकि ये रिपोर्टिंग जो स्पीच है ये पास्ट में लिखा है। दे सेड की जगह यदि दे सेज होता तो फिर हम टेंस चेंज नहीं करते, यदि रिपोर्टिंग पार्ट ये जो पास्ट में है तो ठीक है, अगर ये पास्ट में है तो इसको हम पास्ट में चेंज कर देते हैं, और प्रोनाउन को चेंज करते हैं हम, टेंस को चेंज करते हैं, और एक्स्ट्रा वर्ड को हम चेंज करते हैं। अब ये देखिए, द कुली सेड टू मी द ट्रेन हैज अराइव्ड लेट टुडे, तो द कुली टोल्ड मी दैट द ट्रेन हैड अराइव्ड लेट टुडे का क्या कर दिया हमने, दैट डे, ठीक है। हैज का क्या कर दिया, हैड, हैड क्यों कर दिया, क्योंकि ये कुली सेड टू मी जो है ये पास्ट में लिखा गया है। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से इनको आप सीख सकते हैं। देखिए, हाउ टू चेंज सेंटेंस विथ यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल जो ट्रूथ होते हैं वो हमेशा सच होते हैं, सही होते हैं, इसलिए उनको हम चेंज नहीं करते। जैसे अर्थ इज राउंड, किसी ने यदि बोला कि पृथ्वी गोल है तो वो तो पृथ्वी तो गोल ही रहेगी, उसको याद या प्रेजेंट में बोलो या पास्ट में बोलो, वो तो एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो इसलिए इसका जो टेंस है वो आप चेंज नहीं करेंगे। द टीचर सेड दैट द अर्थ इज राउंड, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है।
और जैसे ये फैक्ट है, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, पानी जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, तो इसका आप टेंस चेंज नहीं करेंगे, चाहे रिपोर्टिंग स्पीच भले ही पास्ट में हो, लेकिन यूनिवर्सल ट्रुथ का और फैक्ट्स का आप जो टेंस है वो चेंज नहीं करेंगे। नीचे वाले सेंटेंस में देखिए, गांधी जी डाइड इन 1948, तो ये तो एक फैक्ट है, तो इस फैक्ट को आप चेंज नहीं करेंगे। तो इस तरीके से इस वीडियो क्लास में आपने प्रोनाउंस देखा किस तरीके से प्रोनाउंस चेंज होते हैं, एक्स्ट्रा वर्ड आपने देखा, ठीक है। तो इस वीडियो क्लास को आप 2 या 3 बार देखो, ये सारे आपको अच्छे तरीके से याद हो जाएंगे। और इसको, इस वीडियो क्लास को देखने से पहले एक बार पास्ट पार्ट 1 और पार्ट 2 आप जरूर देख लेना, और इसके बाद आगे इसमें बहुत सारे पार्ट्स आएंगे। पार्ट 4 आएगा जिसमें मैं ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बताऊंगा, और इसमें मैं काफ़ी सारे PDFs आपको प्रोवाइड कराऊंगा। उन PDFs के थ्रू आप कठिन से कठिन क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस मैं आपको करवाऊंगा, चाहे वो CPO एग्ज़ाम हो, CGL हो, MTS हो, CHSL हो, सारे क्वेश्चंस की मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा, और इससे बाहर कहीं भी कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा, और ऑप्शंस को देख के आप आसानी से उसका आंसर आप लगा पाएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो क्लास में इतना ही, अब मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो क्लास में। थैंक यू।